नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। ग्राम प्रधानों और सम्मानित लोगों के साथ पुलिस ने की बैठक। बिना अनुमति रविदास जयंती पर झांकी न निकाले। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के कस्बा नकुड़ से है। आपको बता दें कि नकुड़ क्षेत्राधिकारी चंद्रपाल शर्मा ने नकुड़ थाना प्रांगण में आने वाले गणतंत्र दिवस व रविदास जयंती को लेकर ग्राम प्रधानों और सम्मानित लोगों के साथ बैठक की। क्षेत्राधिकारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सभी ग्राम प्रधानों और सम्मानित व्यक्ति को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि बिना अनुमति के रविदास जयंती पर झांकी न निकाले। थाने में प्रार्थना पत्र देकर अनुमति ले, उसके बाद ही रविदास जयंती के पर्व को मनाए। आज दिनांक 22 को प्रातः 10 बजे हमने एक मीटिंग का आयोजन रखा था, जिसमें क्षेत्र के सभी सम्मानित व्यक्ति, ग्राम प्रधान और अन्य धार्मिक लोग भी इकट्ठे हुए थे। विशेष तौर से हमने 26 जनवरी को लेकर के इसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के किसी बाहरी व्यक्ति के क्षेत्र में कोई अगर सही रूप में दिखाई देता है उसको सूचना देने के लिए, और उसके बाद में आ रहा है रविदास जयंती का पर्व आ रहा है, तो इन त्यौहारों को लेकर के ही इन लोगों को भी अवगत कराया गया है कि किसी गांव में कोई भी शोभा यात्रा बिना अनुमति न निकाली जाए। यदि शोभा यात्रा निकालने की अनुमति चाहिए तो उसके लिए पालन पत्र प्रेषित कर दें, उस पर समय विचार उपरांत उस पर विचार किया जाएगा और अनुमति के लिए उच्च अधिकारियों को उससे अभिषेक किया जाएगा। गाँव के लोगों को ये भी बताया गया है कि आपके गाँव क्षेत्र में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो उसकी सूचना अविलंब मुझे दें या मेरे थाने के SHO को दें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, चूँकि राष्ट्रीय त्यौहार है, इस त्यौहार पर और 3 प्रदेशों की सीमा लगती है हमारे जनपद से, इसलिए कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ क्षेत्र में आ करके कोई भी किसी तरह की ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है जिसके लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकती है, उनके जीवन को भय हो सकता है या कोई भी ऐसी कार्य कर सकता है जिसमें क्षेत्र में किसी तरह का विद्वेष या कोई दुर्भावना फैल सकती है। क्या संदेश देना चाहेंगे सर? संदेश यह है कि इस राष्ट्रीय त्यौहार को बहुत ही जोश, बहुत ही उमंग के साथ में मनाएं, शादी के साथ मनाएं, इसके दौरान कोई भी इस तरह का स्पीच ना दें जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो या किसी धर्म विशेष को या जात विशेष के प्रति वो किसी प्रकार का सांप्रदायिक उन्माद का रूप धारण कर ले, इस तरह का वो स्पीच ना दें, इसके लिए सभी लोगों से अनुरोध किया गया। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।